हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आया हूँ, हिंडालको इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, स्टॉक के बारे में बात करते हैं। इसमें कुछ खास आया है आज की डेट में गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से। हिंडालको इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है। 245 का प्राइस चल रहा है अभी इसका BSE और NSE पे। और अगर आप देखोगे कि जो फ्राइडे को कितना वॉल्यूम इसका ट्रेड हुआ था, 1,57,42,000, इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम फ्राइडे को ट्रेड हुआ था इस स्टॉक में। चलिए स्टॉक के बारे में देखते हैं और क्या न्यूज़ है उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब हिंडालको इंडस्ट्री जो है 3600 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है गुजरात में। किस चीज़ के लिए? एक्सट्रूजन और रिसाइकलिंग प्लांट के लिए। अब देखिए, इंडिया का लार्जेस्ट एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन एंड रिसाइकलिंग प्लांट जो है गुजरात में आएगा, जो कि ये जो प्लांट जिसके लिए इन्वेस्ट कर रही है सबसे लार्जेस्ट होगा। और गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम साइन कर दिया है आदित्य बिरला ग्रुप का, जो ये मेजर है हिंडालको इंडस्ट्रीज। और बहुत बढ़िया न्यूज़, जो MOU साइन किया गया है 3600 करोड़ का होगा, इंक्लूडिंग 2100 करोड़ का जो एक्सट्रूजन प्लांट होगा, और रिसाइकलिंग प्लांट जो होगा वो कच्छ में 1500 करोड़ का होगा। बहुत बढ़िया न्यूज़ है हिंडालको इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टर के लिए, हिंडालको इंडस्ट्रीज़ के लिए भी। और मैनेजिंग डायरेक्टर जो सतीश पाई है हिंडालको इंडस्ट्रीज़ के, एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल मनोज दास जी, इनके साथ जो आपस में डिस्कस हुआ, और जो विजय रूपानी जी हैं गुजरात गवर्नमेंट के मिनिस्टर, तो विजय रूपानी जी जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात गवर्नमेंट के, तो उन जो है ये साइन हुए हैं डॉक्यूमेंट पे, मेमोरेंडम पे साइन हुए। तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है हिंडालको इंडस्ट्रीज़ के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, अब बात करते हैं एक बार। अब मैं आपको दिखा दूँ हिंडालको इंडस्ट्रीज़ का किस तरीके का अभी जो है स्टैट्स किस तरीके के चल रहे हैं। हिंडालको इंडस्ट्री 55,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट 7 रुपीज़ का, बुक वैल्यू 246। अगर आप इसका प्राइस देखें तो 245 के अराउंड हो, लेकिन बुक वैल्यू प्राइस से भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो 1 का है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये तो। और अर्निंग पर शेयर 7 का, जिसकी वजह से देखिए इसकी जो पी रेशियो वो 35 के अराउंड की है। चलिए एक नज़र डालते हैं अब इसमें स्टॉक की फाइनेंशियल डिटेल किस तरीके की है। नेट प्रॉफिट जो है आप देखिए, नेट प्रॉफिट बहुत बेहतरीन नेट प्रॉफिट है, और एल्यूमिनियम के सेक्टर में एक टॉप की कंपनी है। मेन बात चलिए, 10,000 से 11,000 करोड़ के रेंज में इसका भी जो है नेट सेल चल रहा है, और जो नेट प्रॉफिट है वो देखिए 400 करोड़ की रेंज में ही चल रहा है। नेट प्रॉफिट भी सेम रेंज में चल रहा है। डेट 20,000 करोड़ का है, लेकिन एसेट 70,000 करोड़ के हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। और एक नज़र डालते हैं डिविडेंड पे, डिविडेंड टाइम टू टाइम पे करता है। हाँ, डिविडेंड कम जरूर है, 1-1.5 रुपये के अराउंड का डिविडेंड है, टाइम टू टाइम पे करता है। स्टॉक का अगर ग्राफ देखा जाए तो देखिए 143 का ग्राफ शेयर था ये 2016 में, और ये अभी बीच में 272-276 का हाई करके अप डाउन एल्यूमिनियम के प्राइसेस के ऊपर, जिस तरीके से प्राइसेस वैरी करते हैं ग्लोबली डिमांड होती है उसके ऊपर अप डाउन चलता रहता है। लेकिन इसका 200 का अराउंड का सपोर्ट था, अभी ऊपर गया था, सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ था। तो अभी अगर हम इसमें चलिए एक नज़र मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ टेक्निकल ग्राफ में, अगर आप देखें तो स्टॉक बहुत बढ़िया है। यहाँ देखिए 60 रुपये से मार्च 2016 में ये देखिए कहाँ किस रेंज पर ट्रेड कर रहा था, 60 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था। वहाँ से बहुत बढ़िया इसने ग्रोथ दिखाया, और ये स्टॉक गया आपका 280 के अराउंड चला गया था, 270-272 के अराउंड चला गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया। ये जो एल्यूमिनियम के प्राइसेस अप डाउन होते हैं ना ग्लोबली, तो उसके बेसिस पे इस स्टॉक पर भी बहुत ज़बरदस्त असर देखने को मिलता है। तो ये देखिए, ये नीचे आया 200 के अराउंड आया नीचे, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर थोड़ा सा नीचे आ गया यहाँ, फिर उसी सपोर्ट से ये गया ऊपर। लेकिन अगर आप इसका सपोर्ट देखेंगे तो जो ये पुराने रेजिस्टेंस वैल्यूज़ थी, इसी ने इसका सपोर्ट का काम किया। और ये देखिए आप, ये इसका एक कंसोलिडेशन फेज चला था कुछ टाइम तक, तो यही इसका एक सपोर्ट का काम किया। अभी भी अगर आप ये गिरेगा तो इस लेवल पर 200 से 180 के लेवल पर आप यहाँ पर इसको आपको देखोगे कि यहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिलेगा। अभी देखिए ऊपर चल रहा है ये स्टॉक, अगर अभी भी आप इसमें बाइंग करते हो इस न्यूज से इस तरीके से, तो आप यहाँ पे अपना सपोर्ट जरूर लगा के रखिए, स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। तो अगर आप देखें इसका डाउन ट्रेंड, अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाता है नीचे आता है, तो ये इसका ये डाउन ट्रेंड मेंटेन रहेगा, जो कि ये नीचे को आ रहा है, और एक कंसोलिडेशन फेज भी कहते हो। अगर आप इस लेवल से ये जाएगा तो एक कंसोलिडेशन फेज भी आप इसको मान सकते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं इसके ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑलमोस्ट 10% की रिटर्न ऑन इक्विटी 8 से 9 के बीच में है। तो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, बहुत एक लार्ज कैप का स्टॉक है, एक भरोसेमंद स्टॉक है, इन्वेस्ट कर दो। बस ये कि इतना रिटर्न नहीं देगा, बट ये कि धीरे धीरे करके आप इसमें टाइम टू टाइम जो है पैसे निकाल भी सकते हैं। अब देखिए प्रोमोटर का होल्डिंग कितनी है, 35% के अराउंड की प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग है, और FII बहुत ज़बरदस्त 691 FII ने इन्वेस्ट किया हुआ है स्टॉक में, 691, और म्यूचुअल फंड्स 199 स्कीम्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स की, 0.09%, बहुत कम परसेंट जो है गिरवी रखे हुए शेयर,
और अगर आप देखें हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर कौन है जी, लाइफ कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC, और इसके एसोसिएट फंड्स जो है उन्होंने ऑलमोस्ट 8% की होल्डिंग बना रखी है। बहुत बढ़िया, वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के जो ये दो प्लान, जो ये 3600 करोड़ का इन्वेस्ट करने का प्लान है वो साइन हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया न्यूज़ है हिंडाल्को इंडस्ट्री के इन्वेस्टर के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।